बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो फूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं, तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहते हैं। और जनता ने उन सारे स्थलों पर जो धार्मिक थे, तुम्हारी बज रहा है और दूसरा जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण से नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती, कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीत, अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए, कभी वो पसंद नहीं करते। जितना चला उतना चल गया, अब तो उनके कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी, अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई, 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली, कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। सर, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, जो उन्होंने संविधान हत्या दिवस को लेकर 25 जून की बात कही है कि वहां पे मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, उस पर इंडिया ब्लॉक का कमेंट आएगा, उसको सुनिएगा। उसे हम क्या कहें, उत्तर प्रदेश में भी अब 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, कैसी तैयारी है, कितनी सीटों पे जीतेंगे? सारी सीटें जीतेंगे, 13 में 11 जीते कल, 2 ही तो जीती बीजेपी, उत्तर प्रदेश की 10 में 10 सीटें। भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, उनका भी कहना है और भी कई नेता हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार तहसीलों में, ठीक तरीके से सोचने वाला है वो अंदर से जान रहा है कि बीजेपी जाने वाली है, सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अनावश्यक रूप से हजारों लोगों को बेघरवार कर दिया जाए, मकान ध्वस्त कर दिए जाए बिना नोटिस के और मकान उनका सामान निकालने की भी अनुमति दी जाए, अब इतना कल की बात है, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे वृंदावन एक बहुत बड़ा बनाया था मामा करोड़ों रुपए की लागत से, और 4-5 JCB लेके वहाँ जितने बूट हावे वाले थे, इतना भी मौका नहीं दिया कि अपना सामान निकाल, कई करोड़ का की बिल्डिंग तोड़ दी और सारा सामान। तो जब इतना अत्याचार हो रहा हो, पब्लिक तो देख रही, जो राजनीति में नहीं भी हैं वो और ज़्यादा तरीके से देखते हैं कि देखिए कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। जिन जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया उन्हें अफसोस हो रहा है कि ऐसी जालिम पार्टी का समर्थन उन्होंने क्यों किया, इसलिए आने वाले दिन बीजेपी के ठीक नहीं। मल्लिकार्जुन जी कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि 10 साल से खुद बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, संविधान की हत्या का मतलब है कि संविधान के जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं जिन्होंने जनता को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन हो, उनको संशोधित किया जाए या बिना पार्लियामेंट से संशोधन कराए सामान्य कानूनों के जरिए इस तरह के कानूनों को संशोधित कर दिया जाए, तो ये संविधान की हत्या है। जैसे कानूनन देश भर में OBC के लोगों को 27% और SC/ST के लोगों को 15% आरक्षण मिला हुआ है, 22.5% है, दोनों 22.5%।
तो अभी नहीं मिल रहा है, संशोधन नहीं किया, खत्म नहीं किया। लेकिन यह है कि कोई भी नौकरी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग से टाटा की एजेंसी को दे दिया कि सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 पार्ट बॉय और ये सब नर्सेस वगैरह की भर्ती होनी आप करती, तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसमें कोई नहीं। और सरकारी कंपनियां बेच दी सब प्राइवेट। सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे देती थी, इंडियन एयरलाइंस देती थी, एयर इंडिया, और सरकारी संस्थाएं देती थी, सब इन्होंने बेच दी। और जो प्राइवेट हो गई वो रिजर्वेशन कर दी। तो जो मनसा संविधान के हिसाब से थी, विशेष अवसर के सिद्धांत की, कि जो गरीब पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सदियों से शोषित और पीड़ित रहे, उनको विशेष अवसर दिए जाए, वो आरक्षण के जरिए दिए जाए थे। संविधान की मंशा थी, उससे विपरीत समझ रहे तो संविधान की हत्या तो रोज कर रहे हैं। मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में यह है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 में। उसमें है किसी व्यक्ति की जिंदगी को कानून की प्रक्रिया के अलावा लिया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ लोग जेल में मार दिए जाएं, बाहर मार दिए जाएं, पुलिस की कस्टडी में मार दिए जाएं, कहीं विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन हुआ, कहीं नहीं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान का, सबसे महत्वपूर्ण, जीवन से ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, उसको जो है ये जब चाहे तब उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो संविधान की हत्या तो लगातार। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।